दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं, आप ग्राम पंचायत में अगर रहने वाले हैं, देखिए दिव्यांग हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सकलांग हो, अब जो हर ग्राम पंचायत में एक भर्ती निकली हुई है पंचायत सहायक। देखिए पंचायत सहायक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें कौन कौन पात्र होता है, क्या इसकी योग्यता होती है, क्या इसकी सैलरी होती है। देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए बेरोजगारी देश के अंदर काफ़ी है, अब आपको एक ये रोजगार मिलने वाला है अपने गांव के अंदर ही, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। देखिए कुछ दिन पहले जो पंचायत सहायक की भर्ती निकाली गई, देखिए पंचायत सहायक होता क्या है, हर ग्राम के अंदर एक पंचायत सहायक रखा गया है। वो पंचायत सहायक होता कौन है, देखिए हर ग्राम के अंदर एक ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान की मदद के लिए, ग्राम प्रधान का लेखा करने के लिए, ग्राम प्रधान की सहायता करने के लिए एक पंचायत सहायक रखा गया है। उस पंचायत सहायक का क्या कार्य होता है, देखिए ग्राम के अंदर जितना भी कार्य होता है, किसी की पेंशन बननी है या कोई आवास होना है, ये जो भी योजना ग्राम के अंदर आनी है, हर ग्राम के अंदर ग्राम पंचायत बनी हुई है, उस ग्राम पंचायत में प्रधान के कार्यालय में पंचायत सहायक बैठा गया है, उसकी योग्यता जो है इंटर होनी चाहिए। पंचायत सहायक जो भी योजना आती है वो एक अपने रजिस्टर में नोट करता है, अपनी जानकारी में रखता है, उसका आवेदन करता है। सरकार ने उसके लिए कंप्यूटर भी दिए हैं, रजिस्टर वगैरह भी दिए हैं, अलमारी भी दी है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जितना भी कार्य होगा वो पंचायत सहायक ही करेगा, क्योंकि जो ग्राम प्रधान होगा वो पंचायत सहायक से कराएगा। इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी जो होगी वो 6,000 रुपये महीने के हिसाब से होगी। पंचायत सहायक रखा किस कैटेगरी पे जाएगा, देखिए पंचायत सहायक का सिस्टम क्या है, देखिए हर ग्राम के अंदर एक ग्राम प्रधान होता है, पर कुछ जगह पर ऐसा होता है कहीं पर महिला सीट होती है, कहीं पर पुरुष सीट होती है। इसका एक आरक्षण होता है, जहाँ पर महिला प्रधान होती है तो वहाँ पर महिलाएँ रखी जाएंगी, कहीं पर पुरुष प्रधान होता है तो पुरुष ही रखा जाएगा, ऐसा भी कुछ सिस्टम बनाया गया है। अगर कहीं पर आरक्षण नहीं है इस तरह का तो महिला पुरुष कोई सा भी एक रखा जा सकता है। ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से उसको जॉब मिलेगी। जो प्रधान पुरुष होगा तो पुरुष ही रखा जाएगा, जो महिला होगी तो महिला ही रखी जाएगी। प्रधान अपने घर परिवार में किसी को नहीं रख सकता है, यानी प्रधान का जो खूनी रिश्ता होता है उसके परिवार में से कोई भी व्यक्ति नहीं रखा जा सकता है, चाहे महिला प्रधान हो चाहे पुरुष प्रधान हो। मान लें किसी ग्राम पंचायत में 10 फार्म भरे जाते हैं तो जिसकी क्वालिफिकेशन के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसी का नंबर आएगा। और दूसरी बात यह है, इसमें इंटर तक मांगा गया है, अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है, योग्यता मिलेगी आपको, आपके पास BA है, BCOM है, आपने 8 साइड से कर रखा है, 7 साइड से कर रखा है, इससे कोई मैटर नहीं है, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है या आपको और कोई अनुभव है, कहीं पर जॉब की हुई है, तो आपको उसकी भी योग्यता मिलेगी, ठीक है। और ये अनिवार्य नहीं है, पर अगर आपके पास है तो योग्यता मिलनी है, तो इसमें जो है आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसकी फुल नोटिफिकेशन जब आप पढ़ना चाहते हैं sarkarirezult.com पे इसकी दिया गया है, इसको जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए इसमें सरकार रिजल्ट पर जब हम ओपन करते हैं तो इसकी वैकेंसी का जो नाम है उत्तर प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट, ठीक है, पंचायत सहायक इसका नाम रखा गया है नौकरी का। इसकी www.sarkarirezult.com पे ये मिल जाएगी। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी फॉर्म जो ऑनलाइन होना है 15/6/2024 से, और लास्ट डेट जो है इसकी 30/6/2024 तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये इसमें मेरिट लिस्ट दी गई है। अच्छा, इसके अंदर जनरल OBC दिव्यांग विकलांग कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, इसकी कोई फीस नहीं है, फीस इसकी बिल्कुल जीरो है। पंचायत सहायक रिक्वायरमेंट एज लिमिट, इसकी एज क्या है, देखिए इसमें एज जो बताई गई मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी 18 साल से कम ना हो, 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो, इसकी जो है एज लिमिट बनाई गई है। और इसकी वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें वैकेंसी है 4,821 इसमें वैकेंसी है। देखिए 2 साल पहले भी इसमें वैकेंसी निकली थी, अब कुछ पद खाली थे, जो रिक्त स्थान खाली थे वे रिक्त स्थान भरे जा रहे हैं।
सीएम योगी ने आदेश कर दिया है, जो भी रिक्त स्थान है वे सभी भरे जाने हैं। तो इसमें 4821 जो है रिक्त स्थान खाली है, ये जो भरे जाने हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो वही बताई गई है 10+2, इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। इसमें देखिए डाउनलोड फॉर्म पर भी आप क्लिक कर से इसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें यह है, इसकी नोटिफिकेशन जो दी गई है हल्की सी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। निर्धारित समय इसमें है भर्ती प्रक्रिया क्या है, ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पट व मुनादी द्वारा कराया जाएगा। देखिए ये जो इसकी सूचना है वो मुनादी द्वारा या ऐलान द्वारा कराई जाएगी। 12 जून 2024 से 14 जून 2024 तक इसका जो समय निर्धारित किया गया है। और दूसरा है जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 15 जून 2024 से 30 जून 2024 तक है। जिला पंचायत राज अधिकारी व विकासखंड अधिकारी में प्राप्त आवेदन पत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना है 1 जुलाई 2024 से 6 जुलाई 2024 तक। ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति चारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा उद्दित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है 7 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसका फ़ोटो जो है मैं आपको इसी वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्म की बात की जाए, देखिए फॉर्म इसका डाउनलोड हो गया है। इस तरह का इसका फॉर्म है, देखिए फॉर्म पे लिखा हुआ है पंचायत सहायक। ठीक है, इसमें लिया गया है आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि हाई स्कूल के अनुसार जो हाई स्कूल की मार्कशीट में वही, और इसमें जेंडर दिया गया है, जाति दी गई है, पता दिया गया है, मोबाइल नंबर, योग्यता। ठीक है, अगर कोई कोविड के कारण मरा है, मान लो कोई व्यक्ति कोविड के कारण मरा है या उसके बच्चे हैं, तो सबसे पहले वो रखा जाएगा। उसमें मृतक का नाम आएगा उसके, और उसके आवेदक से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, वो सब इसमें आना है। तो दोस्तों देखिए इसका फॉर्म भी कैसे डाउनलोड है, कौन सा फॉर्म है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों ये जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है, घर बैठे आपको 6,000 रुपये मिल जाएंगे, और इसका आवेदन दिव्यांग, विकलांग, सकलांग कोई भी कर सकता है। बाकी नोटिफिकेशन की जानकारी अगर आपको लेनी है, बाकी उसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।